सब्सक्राइब कीजिए WWE न्यूज हिंदी चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन को और WWE की अपडेट्स पाएं सबसे पहले। दोस्तों, रोमन रेंस और जॉन सीना दोनों सुपरस्टार कंपनी के टॉप पर है। रोमन रेंस को एक तरह से WWE के टॉप का दगा घोषित कर दिया है। हालांकि रोमन रेंस के लिए अभी तक फ्यूचर प्लान सामने नहीं आया। वहीं रोमन रेंस के बारे में डैनियल ब्रायन ने रोमन रेंस को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर डैनियल ब्रायन ने ESG पॉड में बताया कि रोमन रेंस WWE के अगले जॉन सीना बनने वाले हैं और इस बात की जानकारी दी। रोमन रेंस को शील्ड से अलग होने के बाद बड़ा पुश मिला। इस पुश को फैंस ने काफ़ी पसंद भी किया। रोमन रेंस कंपनी के एक बड़े सुपरस्टार है और वो काफ़ी लोकप्रिय भी है। डैनियल ब्रायन ने रेसलमेनिया 30 के बाद हुई विंस मैकमैन की और उनकी बातचीत को भी याद किया। उस वक्त डैनियल कंपनी के टॉप पर थे। डैनियल ने बताया कि विंस ने कहा था कि वो रोमन रेंस को WWE का अगला टॉप सुपरस्टार बनाएंगे, जिससे वो अगला जॉन सीना बन सके। डैनियल ने बताया कि वो भी जॉन सीना जैसा बनना चाहते थे, लेकिन वो मैकमैन की बात से सहमत थे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप भी डैनियल ब्रायन की इस बात से सहमत होंगे। आपके क्या विचार है कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर आपके हर सवाल का जवाब आपको मैसेज में मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।